ई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय भोजपुरिया, जहां आज अपना रिपोर्ट में रुवा लोग हमें बतावे चार हाल मानी। जैसे कि आप सबके मालूम रहे कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने हुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ एक फिल्म में आवे वाला बालो। जी हाँ भैया, एक खुलासा खुद सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने रहुआ कैले, खेसारी लाल यादव कैले, पवन सिंह कैले। जी हाँ भैया, तो तीनों आदमी तैयार हो चुकल बालो। और आप सबको बता दी कि मेन मुद्दा अटकल बा कि आखिरी फिल्म के बनाई के। जी हाँ, आखिरी फिल्म के बनाई के। तो आप सबको बता दी कि दिनेश लाल यादव के भी प्रोडक्शन हाउस बा, खेसारी लाल यादव के प्रोडक्शन हाउस बा और पवन सिंह के भी प्रोडक्शन हाउस बा। तो क्वेश्चन करी गई खेसारी लाल यादव जी से कि आप अपना काहे ना प्रोडक्शन हाउस में बना लेता नहीं। तो खेसारी लाल यादव बड़ा ही खूबसूरत सवाल दे ले कि तीनों आदमी हमी के तीनों सुपरस्टार बन जाए, यदि हम के अपन दोस्त बन जाए, यदि हम अपना प्रोडक्शन हाउस में बनावा तानी तो फिल्म जल्दी ना तैयार हुई, फिल्म में गैप आवे ले। क्या है कि केहू चाहे कि हाँ भैया हमारे स्टेज शो बा, हमारा के जाए रखे सारी, तो केहू कहे कि आज हमारे हिजा काम बा, तो हम केहू के माना नहीं कर सकत, क्या कि सब कोई हम स्टारे बन जा। तो एगो डायरेक्टर चाहे प्रोड्यूसर जो कि अलग होके चाहे, जी हाँ हमके तीनों आदमी से अलग हो गए जेकर बात के तीनों आदमी मानल जाए, यही से डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग हो गए कि जो बात कह दियन कि हई करे के बाद हमके तीनों आदमी के माने के पड़ी। यही क्वेश्चन नहीं रहुआ कभी कही गई कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस में काहे नहीं बना ले फिल्म। तो दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ भी बड़ा सुंदर जवाब दे रहे कि हम ऐसे नहीं बना पावत कि लोग कहे लगे इसमें तीनों आदमी तीनों सुपरस्टार बने। ये फिल्म यदि बना था तीनों आदमी के लिए तो बहुत ही बड़ा मूवी हुई और भोजपुरी में इतिहास रचाई, ये तो एगो फिक्स बा। लेकिन हम ऐसे नहीं कि बनावत अपना प्रोडक्शन हाउस में कि लोग सोचे लगे कि अपना के ज़्यादा सीन दे रहा बड़े, अपना में ज़्यादा खर्चा कर रहा बड़े, हमने में कम हो रहा बा। तो कुछ मन विचलित सोचे लगे कि वो अंदर से यही से कोई अलग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होके तो बढ़िया रही जो तीनों आदमी के हैंडल कर सकते हैं। क्या है कि तीनों आदमी अपन अपना में सब कोई सुपरस्टार बा, खेसारी लाल यादव के अलग छवि बा, पवन सिंह के अलग छवि बा, निरहुआ के अलग छवि बा। तो तीनों आदमी के पूर्ति करे खातिर कोनो अलग डायरेक्टर प्रोड्यूसर के जरूरत बा, तो ये दोनों सुपरस्टार ही जवाब दे दिया लो। जी हाँ भैया, लेकिन बात बा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के। एक फिल्म के बनावे खातिर भोजपुरी में कोनो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तैयार नहीं कर लोग, खासतौर पर प्रोड्यूसर जे अपन फिल्म में फिल्म में अपन पैसा लगा उस लोग अपन बजट लगाओ। कहे कि भैया फिल्म तो बनी बहुत बड़ा बजट के मनी, कहे कि भोजपुरी के तीनों सुपरस्टार एक साथ रहे, उनका लोग खर्चा उठावल, फिर फिल्म में को अच्छा स्टोरी चाहिए, बढ़िया से पैसा लगे फिल्म में। और यदि फिल्म सुपर डुपर हिट ना भइल, यदि बाई चांस सोच के देखी यदि फ्लॉप हो जाए तो वो प्रोड्यूसर के का हाल हुई। एकरा मतलब कि ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए, ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए यदि फिल्म हिट हो गई तो ठीक है बा, यदि हिट भी ना भइल तो कोनो बात ना, बस एगो सोच लेके आ एक दो काम खाती है काम कर हम पैसा निकल जी। तो ऐसा प्रोडक्शन चाहिए, ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए। जी हाँ भैया, तो नाम आ रहा बा प्रियंका चोपड़ा के। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जो कि भोजपुरी में अभी तक दू गो मूवी बना चुकल बड़ी, उनको प्रोडक्शन हाउस द्वारा ये दोनों मूवी आ चुकल बा, तब केवल नाम आ रहा बा प्रियंका चोपड़ा के। जी हाँ भैया, प्रियंका चोपड़ा भी अतः बजट बा कि तीनों सुपरस्टार के वो फिल्म लेके बनवा सकता रही, वो फिल्म हिट होके चाहे ना होके, यदि हिट ना हुई तो उनका फिर इतना क्षमता बा कि दू गो शो करके वो पूरा पैसा वापस ले सकता रही, चाहे एगो फिल्म द्वारा अपन पैसा वापस ले सकता रही। तो सीधे नजर जा रहा बा प्रियंका चोपड़ा पर। जी हाँ भैया, ऐसा खबर आ रहा बा सूत्रों के मुताबिक, जानकारी चल रहा बा कि अब प्रियंका चोपड़ा के ही सब बात बताओ जी, सारा स्टोरी सुनाओ जी, ऐसा ऐसा बात बा। तो देखी क्या हो रहा बा, तीनों सुपरस्टार तैयारी हो चुकल बड़े, अब खाली हाथ बा कि कोनो बढ़िया प्रोड्यूसर मिल जाए। जो हमें सबसे नंबर वन नाम आ रहा बा प्रियंका चोपड़ा जी के, यदि प्रियंका चोपड़ा तैयार हो जाता रही ना तो कोनो दूसरा कोई भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तैयार हो जाता तो फिल्म आप सबके अगला साल तीनों सुपरस्टार के देखे के मिली। जी हाँ, तीनों सुपरस्टार एक फिल्म में देखे के मिलियन। तो सबसे नंबर वन प्रोड्यूसर पे देखे के नाम आ रहा बा तो प्रियंका चोपड़ा के आ रहा भैया। तो देखे वाला बात बा कि क्या प्रियंका चोपड़ा तैयार हो तारी फिल्म बनावे खातिर, जैसे ही कुछ बनी आप सबके बीच में हम रिपोर्ट लेके आए। तब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा बात के शेयर करी। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।